तस्वीर स्टूडियो में टोनी स्टार्क की इस वाली स्केच को करने जा रहा हूँ और ये देखने पर दिल लगे अगर मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट में आने की ग्रेफाइट में सिर्फ करूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कि मैं इस वाले स्केच को कलर में करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं गोल्ड एक्स के बॉल पेन का ये वाला सेट यूज़ करने वाला हूँ। इसका मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था 45 रुपये का, तो वैसे तो मेरा फर्स्ट स्केच है जिसको मैं कलर में करने वाला हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे को कितना टाइम लगने वाला है। तो देखूंगा कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं इसे दो पार्ट में लेकर के आऊँगा, क्योंकि नहीं तो फिर एक पार्ट में लेकर आऊँगा तो बहुत कम हो जाएगा वीडियो फिर। और वीडियो के अंदर मैं सब कुछ शेयर करूँगा कि मेरे को कैसा एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम पर जब मैंने ग्रेफाइट से कलर में फर्स्ट टाइम कुछ किया है। तो करते हैं फिर। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया और अब तक तो इसका सिर्फ 60% पार्ट ही कम्प्लीट हुआ है।
कलर में करते वक्त आपको एक बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ग्रेफाइट में तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर का ही ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कलर में आपको हर एक तरह के कलर का ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन पे कहाँ पे कौन सा कलर गिर रहा है। जैसे कि टोनी स्टार्क के फेस में राइट साइड पे जो है शैडो है, उसके अंदर से ब्लैक कलर का शैडो है, उसमें हल्का सा ब्लू कलर भी है, उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ा था। और बालों में तो ब्राउन और ब्लैक कलर दोनों ही मिक्सअप, कई जगह पे तो बाल ऑरेंज कलर के भी हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने कलर में कुछ स्केच किया, तो फिर इसलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इतना टाइम लग चुका है। तो मैं इस वाले वीडियो को बाकी हिस्से को सेकंड पार्ट में करूँगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा अभी, जिसमें मैं इस वीडियो कंप्लीट कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।